पंचायतों को विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को प्रदेश सरकार की ओर से बंद किए जाने से ग्राम प्रधान भड़क उठे हैं। ग्राम प्रधानों का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी रहा। प्रधानों ने आक्रोश को देखते हुए कोटद्वार विधानसभा के विधायक और सूबे के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी तहसील पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मिले और विकास मामा सबसे पहले ताजा जानकारी बताएं कि क्या है ताजा हालात। ग्राम प्रधान डॉक्टर सिंह के जी विकास आगे की कार्रवाई क्या है? प्रधानों का कहना है कि हम जब तक हमारी वित्त राज्य वित्त से जो मिलने वाला धन है वो हमें प्राप्त नहीं होगा ग्राम प्रधानों को, तब तक हम धरना पे रहेंगे। और 31 दिसंबर को दुगड्डा ब्लॉक में होने वाली पीडीसी मीटिंग में सारे प्रधान उसके विरोध करेंगे। जी विकास बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। हरिद्वार में लगने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों पर सुरक्षा का खासा इंतजाम किया गया है। मेला डेक के मुताबिक जिसमें इलाके पूरी तरह से नो फाइल जोन रहेंगे। हर की पौड़ी और आसपास के मंदिरों और घाटों के ऊपर से किसी भी तरह के हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज नहीं उड़ सकेंगे, जिसकी जानकारी हेली सर्विसेज के साथ ही गृह विभाग को भी भेज दी गई है। यही नहीं, हर की पौड़ी क्षेत्र में बिजली और लाउडस्पीकर के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। वैसे भी जो हर की पौड़ी वाला एरिया है, पूरे जो मेला क्षेत्र है, इसमें नो फ्लाई जोन हुआ। कोई भी जहाज वहाज अगर चढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, बिना परमिशन के नहीं कोई अलाउ करेंगे हम लोग। उसके एक सुरक्षा के एक मानक भी हैं और एक उसकी सावधानी भी है। तो इस तरह से नो फ्लाई जोन रखने की कोशिश होगी और उस बीच में हमारे अपने जो हमारे अनमैन व्हीकल होंगे वो हमारे निगरानी। तो चलिए इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, पुलकित शुक्ला जी। पुलकित, सबसे पहले बताएं क्या है पूरा मामला। पुलकित, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पुलकित बताएं क्या है पूरा मामला। इस बार इन्होंने सुरक्षा दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए जो नो फ्लाई जोन डीआईजी अर्धकुंभ ने घोषित किया है, क्योंकि हर कुंभ या अर्धकुंभ में जो हेलीकॉप्टर प्राइवेट कंपनी हेलीकॉप्टर से जो कुंभ के दर्शन कराए जाते हैं, इस बार कुछ आतंकवादी गतिविधियों से बचने के लिए उन्होंने नो फ्लाई जोन को घोषित कर दिया है। जी पुलकित, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो क्या है पुख्ता इंतजाम पुलिस के सुरक्षा को लेकर?
सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि पुलिस ने अपने तंबू बनाकर वहां पर एक छावनी में उसे तब्दील कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें अर्धकुंभ मेले में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। तो कई इलाके रहेंगे नो तो आपको बता दें कि कई इलाके रहेंगे नो फ्लाई जोन में रहेंगे, तो वहीं बिजली की तारे अंडरग्राउंड भी रखी जाएंगी। तो बढ़ते हैं उत्तराखंड में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के मकसद किसानों और पशुपालकों को हो रहे नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराना है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक लोग इस योजना से पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वहीं विभाग के लिए भी ये चिंता का विषय बन चुका है। दरअसल प्रदेश में पशुधन बीमा का जिम्मा दो कंपनियों को दे दिया गया है, लेकिन ये कंपनियां पशुपालकों तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही हैं, जबकि सरकार चाहती है कि प्रदेश के हर पशुधन स्वामियों को पशुधन जीवन बीमा योजना का लाभ मिल सके। सभी पशु खामियों तक हमारे पशुपालकों ने प्रीमियम दिया है, उससे लगभग सवा गुना हम क्लेम आज तक दे चुके हैं, तो इसमें लोगों को पशुपालकों को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। अभी तक हमारी जो योजना थी केवल 6 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, चमोली और पिथौरागढ़ 6 जनपदों में सीमित थी और केवल गौमंशी और महिषमंशी पशुओं के लिए थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सचिन कुमार हरिद्वार से। सचिन बताए क्या है पूरा मामला। मैडम ये जो सचिन क्या आपको हमारी आवाज सुन पा रही है? हेलो हेलो सचिन बताए पूरा मामला। तो हरिद्वार में पुलिस ने नकली फेस वॉश बनाने वाली एक कंपनी का खुलासा किया है। एक दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में नकली फेस वॉश की छापे की खेप भी बरामद की है। छापेमारी के दौरान एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नकली फेस वॉश मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से कई राज्यों को सप्लाई की जाती है। दुकान में बने गोदाम के अंदर से करीब 5,200 नकली फेस वॉश बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 5,00,000 रुपए बताई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हैं हरिद्वार से पुलकित। पुलकित सबसे पहले बताएं क्या है पूरा मामला। कोमल जी हरिद्वार पुलिस ने आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाकर काफी सालों से बेच रहा था, और जो हिमालय और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां हैं उनके जो प्रोडक्ट है पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली, इस तरह के नकली नामों से नकली प्रोडक्ट बनाकर वो बेच रहे थे। जी पुलकित साफ सी बात है कि प्रशासन ने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया, अब क्यों उठाया ये, क्योंकि बहुत साल पहले भी बहुत लोग फेस वॉश जानकारी लेनी चाहिए थी या फिर इंक्वायरी भी हुई होगी, तो अब कदम क्यों उठाया है प्रशासन ने? हरिद्वार पुलिस के अनुसार उन्होंने शक के आधार पर एक एसओजी टीम का गठन किया गया जो काफी समय से इनके ऊपर नजर बनाए हुए
किया, कबूल किया। जी पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दबंगों ने नेत्रहीन बुजुर्ग से मारपीट कर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश का मामला सामने आया है। मामला देहरादून के विकास नगर जनपद का है। पीड़ित का नाम जय सिंह बताया जा रहा है। जमीन को लेकर बुजुर्ग से मारपीट की गई। पीड़ित इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराने जब पहुंचा तो थाने में आरोपी का सियासी